हेलो दोस्तों, आज के इस अंग्रेजी में कैसे कहें पार्ट 3 वीडियो में हम कुछ इस तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे जिन सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ कर आया हूं लगा रहता है। जैसे कि मैं पानी पीकर आया हूं, मैं होमवर्क बनाकर आया हूं, वह खाना खा कर आया है, या मैं सर से मिलकर आया हूं। तो आइए सीखते हैं इस तरह के सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज, हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आफ्टर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिख देना है। आइए दोस्तों, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैं पानी पीकर आया हूँ। दोस्तों, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है मैं, और आई मीन्स होता है मैं, और आई के साथ हमेशा लगता है हैव। तो दोस्तों, इसका हो गया हैव, आई हैव, और आया हूँ। आना का हो गया कम, और कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, केम, कम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद ड्रिंक मीन्स होता है पीना, और ड्रिंक का फोर्थ फॉर्म ड्रिंक के साथ आई एन जी, ड्रिंकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर। आई हैव कम आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इंग्लिश लर्निंग से संबंधित आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मैं होमवर्क बनाकर आया हूँ। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? मैं, और आई मीन्स होता है मैं, और आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आना, कम मीन्स होता है आना, और कम का थर्ड फॉर्म भी होता है कम। उसके बाद आफ्टर, डू का फोर्थ फॉर्म, डू के साथ आई एन जी, डूइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क, डूइंग होमवर्क। मैं बॉस से मिलकर आया हूँ। सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हैव, कम आफ्टर मीटिंग बॉस। कम मिस होता है आना, और कम का थर्ड फॉर्म हो गया कम आफ्टर, मीट मिस होता है मिलना, और आई एन जी लग गया तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया मीटिंग बॉस। वह खाना खाकर आया है। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही मिस होता है वह, ही के साथ हैज लगता है क्योंकि ही सिंगुलर है, और उसके बाद कम आफ्टर इट मिस खाना, और इट का फोर्थ फॉर्म ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है फूड। ही हैज कम आफ्टर ईटिंग फूड। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस आपके लिए होगा, जिसका अनुवाद करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अजय विजय को पीट कर आया है। इस सेंटेंस का अनुवाद कैसे होगा अंग्रेजी में? तो दोस्तों, इस सेंटेंस का अनुवाद करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।